शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय महाविद्यालय किरनापुर में आयोजित कार्यक्रम में बालाघाट जिले के 168 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य का लोकार्पण किया और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही जिला स्त्री स्वास्थ्य मेला व आजीविका मिशन की महिलाओं का सम्मेलन भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने कई घोषणाएं की, जिसमें किरनापुर कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं चालू करने से लेकर हट्टा में नए सत्र से कॉलेज खोलने की बात और परसवाड़ा कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ की बात मुख्यमंत्री चौहान ने कही है। इसी के साथ बालाघाट में सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने की बात कही। आजीविका मिशन की और तेजस्वी समूह की बहनें भी बहुत अच्छा काम कर रही है, अलग अलग चीज़ें बना रही है। यहाँ तो आज रोड रोलर भी विकास के कामों के लिए समूह को दिया गया है, तो निर्माण का काम हो, राशन वितरण करने का काम हो, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाने का काम हो, अलग अलग कई कामों से बहनें जुड़ के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रच रही है। मैं अपनी ओर से दिलीप बटेरे जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन व्यक्त करता हूँ। उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेत चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।